तो भाई फाइनली आबिद भाई से मुलाकात हो चुकी है। आबिद भाई का ऑपरेशन भी हो चुका है, ठीक हैं। डॉक्टर ने मना किया है बोलने के लिए, तो इनको बुलवा नहीं रहे हैं। बाकी मोच वोच इनकी उड़ ही गई है, काफी मेहनत से मोच वोच रखाए थे भाई साहब। ओए होए 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 होए, तो भाई आ चुके हैं मूवीज के। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है भाई साहब। चलो भाई हम लोगों को ऊपर चलना है। हसन भाई भीड़ कैसी है यहाँ पे? जीना देखिए यहाँ का कैसा बना हुआ है। हसन भाई सही है, ये कह रहे हैं कौन जंजाल में ले आया हो सारी, तो गाना है ऊपर से लाइन लगाना है, पैसा भी देने है। ऐसी जगह भगवाना शरीफ में है। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो भाई शाम के 4 बज रहे हैं और आपके भाई ने खाना पीना खा लिया है, और अभी हम और अम्मी चलने वाले हैं हॉस्पिटल आबिद भाई को देखने के लिए, उनका ऑपरेशन हुआ है आज। तो भाई ये व्लॉग शाम के 4 बजे से शूट हो रहा है, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो दोपहर का व्लॉग बनाया था मैंने काफी ज्यादा वो लॉन्ग हो गया था। और अभी हमें और अम्मी को चलना है हॉस्पिटल, आबिद भाई का आज ऑपरेशन हुआ है तो उनको देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो बने रहिए व्लॉग में। अभी तक आप लोग व्लॉग में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए व्लॉग में। चलिए चलते हैं। तो भाई जफर भाई हम लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं, जफर भाई आज रहेंगे घर पे। क्या बोलना चाहोगे जफर भाई? कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे, हमेशा ऐसे साथ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब आबिद भाई के लिए जाया जा रहा है जाए भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई हमारी अम्मी तैयार हो चुकी हैं, जफर भाई की बातें आप सुनी ली होंगे, कितनी अच्छी गहराई वाली बातें बोल रहे हैं। और हाँ, अभी एक हमारा दोस्त भी आ रहा है, उससे भी अभी हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम हॉस्पिटल। फाइनली गाइस अम्मी हमारी तैयार हो चुकी है, तो चलिए भाई अब बिना देर किए चलते हैं फौरन हॉस्पिटल। गाइस मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, चलिए भाई बाइक को घुमाते हैं और फौरन ही चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि यार अम्मी को बैठा ले रहेंगे और मैं हेलमेट भी पहने रहूंगा, तो इसलिए मैं आपको बीच की शूटिंग नहीं करके दिखा सकता हूँ। 1 minute later, गाइस अम्मी को लेकर हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यार ठंडक होने लगी है, बदली टाइप का मौसम होने लगा है, धूप बहुत जल्दी चली जाती है और आप देख सकते हैं पूरा फॉगी फॉग हो रखा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। 20 minutes later. हुए, तो भाई लालम लाल सेब यहाँ पे दिख रहे हैं बेहतरीन, तो 10 रुपए में था, 100 रुपए भैया हमें दे रहे हैं, तो चलिए 2 किलो ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो भाई हम लोगों ने 1-1 किलो सेब ले लिया है, 1 किलो आबिद भाई को दे देंगे, 1 हम लोग ले लेंगे। देख सकते हैं हम लोग काफी दूर से चल के आए, बाइक वहाँ पे खड़ी करे थे और ये रोड को बहुत आराम से पार करना है, बहुत संभाल के पार करना है। देख सकते हैं कितनी तेज तेज गाड़ियाँ आ रही हैं, तो चलिए पार कर लेते हैं। ये लो भाई पार कर लिया है, अब याली रोड पार करनी है हमें आराम से। ये देखिए भाई ये भी पार हो गई है, सामने हमारी बाइक खड़ी हुई है, तो चलिए बाइक के पास चलते हैं, फौरन ही चलते हैं मेडिकल कॉलेज। तो भाई फाइनली आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज, सामने आप देख सकते हैं भाई यही है मेडिकल कॉलेज, तो चलिए भाई अंदर चलते हैं, फौरन ही चलते हैं आबिद भाई के पास, देखते हैं आबिद भाई की कंडीशन कैसी है। तो भाई हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आ भी चुकी है, चलिए आराम से अंदर चलते हैं भाई। चलिए सीधा चलते हैं आबिद भाई पास, आबिद भाई से भी आपसे भी मुलाकात करवाते हैं, चलिए। चलो आबिद भाई, आबिद भाई का ऑपरेशन हो गया आप देख सकते हैं। ओए होए होए होए, हमारे आबिद भाई मुस्कुरा रहे हैं, बेहतरीन यार, अल्लाह पाक इनको ठीक कर दे। यार तुम्हारी मोछे कहाँ गई? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? चलो यार आबिद भाई को मना करें डॉक्टर बात करने से, और जोर पड़ेगा कान पे, इसलिए इनको मना करें डॉक्टर साहब, तो चलिए इनको बुलवाते नहीं है, आराम से आराम करने देते हैं। अच्छा तो भाई अभी हम चल रहे हैं आबिद भाई के लिए इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है, तो उसे लेने चल रहे हैं नीचे, तो चलिए लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे लिफ्ट आती फौरन चलते हैं। लो भाई आ चुकी है लिफ्ट, चलिए चलते हैं इंजेक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलिए भाई यहाँ से दवा ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फौरन आबिद भाई के पास। 1 eternity later. तो भाई वहाँ पे इंजेक्शन तो मिला नहीं, हम चलते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पे बाहर मेडिकल स्टोर है वहाँ पे मिल जाएगा हमें लगता है। चलिए भाई धीरे धीरे करते हुए हम चल रहे हैं, तो भाई सामने गेट दिख रहा है, तो चलिए धीरे धीरे करते हुए चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर लेते हैं दवा, उसके बाद चलते हैं फौरन। अबे साले भाई साहब हमें भी ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे भैया चल रहे हैं, हमें भी कूदना पड़ेगा नहीं तो दवा मिलेगी नहीं, और बहुत दूर से घूम के जाना पड़ेगा, तो भैया कूद रहे हैं देख सकते हैं, और अब हम सेम भैया की तरह चलेंगे हम भी भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दवा लेते हैं बाहर से ऐसे ही चल के, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 5 minutes later. Finally guys, उस पार से इस पार आ चुके हैं और आ चुके हैं सड़क पे आप देख सकते हैं, तो चलिए भाई दवा ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं फौरन आबिद भाई के पास। A few moments later. तो भाई जो दवा लेने आए थे वो दवा मिल नहीं रही है, कोई भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रही है, यहाँ पे मेडिकल स्टोर 10-15 है लेकिन कोई मेडिकल स्टोर के पास नहीं है ये वाली दवा, और हमारी मेहनत बेकार हो चुकी है, तो चलिए भाई इस पार से फिर उस पार चलते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं फौरन आबिद भाई के पास, चलिए अब क्या ही कर सकते।
सकते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली आबिद भाई से मुलाकात हो चुकी है, आबिद भाई का ऑपरेशन भी हो चुका है, आबिद भाई ठीक है, डॉक्टर ने मना किया है बोलने के लिए तो इनको बुलवा नहीं रहे हैं। बाकी मोच वोच इनकी उड़ ही गई है, काफी मेहनत से मोच वोच रखाए थे भाई साहब। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, मोच वोच बड़ी हो जाएगी। ठीक है चलो भाई चलते हैं, अल्लाह हाफिज। तो भाई आबिद भाई के पास से हम निकल आए हैं, आबिद भाई की मम्मी सामने चल रही हैं और मेरी मम्मी सामने चल रही हैं, तो चलिए भाई लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, चलते हैं फौरन बाहर। तो भाई मेरी बाइक सामने खड़ी हुई है, तो चलिए भाई यहाँ से बाइक निकालते हैं और फौरन चलते हैं घर की तरफ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं पिक्चर गैलरी के पास और यहाँ पे आने वाले हमारे हग्गन दोस्त, तो अभी हम आपको उनको दिखाते हैं। ये देखिए आप क्या चलाई इनकी, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, और क्या हाल है। बढ़िया, कैसा रहा सफर। आसान रहा, क्या बात है क्या बात है। फाइनली गाइस आ चुके हैं हम लोग घर और हसन भाई हमारे चल रहे हैं। चलिए हसन भाई आप बताइए हमारा रेंट वाला घर आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा भाई, अभी आप गए भी नहीं, बहुत अच्छा लग गया पहले ही है। बड़ा हरामी हो। चलो भाई आइए, हसन भाई का वेलकम है ये। तो चलो भाई कुछ खा पी लेते हैं, हसन भाई को भी कुछ खिला पिला देते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ओए होए 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 होए। तो भाई फाइनली आ चुका है सेब चाय और अंडा। किसके लिए आया भाई। ये मेरे हसन भाई के लिए आया है। आए 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 अमर भाई, नहीं बताओ तुम्हें मिल रहा आज अंडा। सही शाम में कहाँ मिलता है तुम्हें, सिर्फ सुबह सुबह, वो भी अगर 12 बजे के बाद उठ जाओगे वो भी नहीं। सही बात, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए भाई हसन भाई के साथ अंडा और सेब तोड़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2000 years later. फाइनली गाइस सारे भाई लोग सब कुछ खा वा लिए हैं और अब हम चलते हैं, हसन भाई को थोड़ा से लखनऊ का टूर करवाते हैं, देखते हैं जहाँ चलते हैं वहाँ पे आपको सारी चीज दिखाते ही हैं। तो आज हसन भाई हमारे लखनऊ आए हैं, मतलब लखनऊ तो 2-3 दिन से है लेकिन हमारे तरफ एक दिन हुआ है, आज ही आए रात में। तो हम लोग चल रहे हैं इनको कहीं घुमाने के लिए, तो चलिए देखते हैं जैसा भी प्लान होता है वहाँ चलते हैं इनको लेके। चलो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, काफी दूर आ चुके हैं घंटाघर से और हम लोग चल रहे हैं पूल गेम खेलने के लिए। आज हसन भाई भी हम लोगों के साथ शामिल है, तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं, पहले थोड़ा एंजॉय करेंगे, गेम वेम खेलेंगे, उसके बाद का प्लान जो भी होगा हम बताते हैं, ब्लॉग में बने रहना। और अभी हम रास्ते में हैं भाई, एक हाथ से शूटिंग और एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आराम आराम करते हुए चल रहे हैं, बेहतरीन सर्दी का मजा लेते हुए चल रहे हैं, कपकपही वाली सर्दी है भाई। फाइनली गाइस हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और आपको सामने का व्यू दिखाते हैं। तो भाई हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूल गेम होता है, तो आज हम लोग नई जगह पूल गेम खेलने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे हसन भाई लोग हैं, कुछ सामान वामान ले रहे हैं, तो चलिए सामान वामान लेके फौरन ही चलते हैं अंदर। तो भाई सामने गेट है, सामने से हम लोग ने एंट्री कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से सीढ़ी दी गई है, तो चलते हैं भाई नीचे आराम आराम करते हुए, देखते हैं यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितना पैसा रहता है, जो भी कुछ होता है आपको बताते हैं। ये हम लोगों ने एंट्री कर ली है, ये देखिए भाई। तो भाई जफर भाई और हसन भाई एकदम तैयार हो चुके हैं, बॉल वॉल निकाली जा रही है और यहाँ पे अपना सेटअप हो जाएगा बेहतरीन, उसके बाद हम लोग खेलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूल गेम है, बेहतरीन और बेहतरीन हम लोग खेलने वाले हैं, तो चलिए इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, आपको भी बताते हैं, बने रहना व्लॉग में। जफर भाई हमारे पहली बॉल चल रहे हैं, चलो भाई हसन भाई भी रुक जाओ यार, ओए चलो भाई मैं भी चलता हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ। चलो भैया जिया भाई की चाल है इस बार, चलो भाई हसन अभी तुम वेट करो, पहले देखो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मैं एक राउंड हार चुका हूँ और ये रहा दूसरा राउंड, चलो जिया भाई। ओए होए 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 भैया बच गए, चलो भैया अब मेरी चाल है। तो भाई आपका भाई पहला राउंड जीत चुका है जफर भाई के साथ, दूसरा राउंड हो रहा है, तो चलिए रिजल्ट आता है जैसे वैसे मैं बताता हूँ। 2000 years later. Finally guys, आपका भाई हमेशा की तरह जीत गया है, हसन भाई जफर भाई हमारे हार चुके हैं, क्या बोलना चाहोगे। हम लोग बाहर आ चुके हैं पूल गेम खेल कर और आप देख सकते हैं फिर से सीढ़ी पे चढ़ना है हम लोगों को आराम आराम करते हुए, तो चलिए आराम आराम करते हुए चलते हैं सीढ़ी के ऊपर। और उसके बाद सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है, आपको दिखा देते हैं भाई, और यहाँ पे मार वार हो रही है भाई, पता नहीं किस बात से हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मारपीट हो रही है, अलग ही हो रहा है। चलो बाकी चलते हैं भाई फौरन हम लोग घर। गाइस आ चुके हैं HDFC ATM में, तो चलिए यहाँ से पैसे ऐसे निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं फौरन घर। ओए होए 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 होए। तो भाई पैसों की गिनती होने लगी है, चलिए देखते हैं कितनी नोट निकलती है, कितनी नोट निकलेगी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ATM निकाल लो, पैसा प्यार से आएगा उसको भी निकाल लेना।
आए हाय हाय, निकालो भाई निकालो, फट जाएगा यार। बात तो सही है। फाइनली गाइस सारे भाई लोग आ चुके हैं घर, और हसन भाई ये हैं हमारे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, टॉयलेट लगी है क्या? हग दिया। 5 hours later. खाना वाना अम्मी ने पैक कर दिया है, और हम पानी भी रख ले रहे हैं आबिद भाई के लिए, जरूरत पड़ने पे यार पानी वानी मिल जाए उनको, नहीं तो वहाँ पे पैसे ही का पानी वानी मिलेगा। तो चलिए भाई फौरन ही चलते हैं, किस बात की है देरी, डिग्गी में पानी डाल देते हैं। जफर भाई थोड़ा सा मेहनत करेंगे यहाँ से वहाँ तक ले जाने में, बाकी हम बाइक चलाएंगे, हसन भाई बीच में बैठेंगे। चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे, और आपको दिखाते हैं सामने का व्यू। घर से मेडिकल कॉलेज आने तक बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई यार, खाना वाना बचाना था, पकड़ना था, क्योंकि दाल वगैरह थी। और चलिए हम पानी यहाँ से निकाल लेते हैं, बाइक को यहीं पार्किंग में लगा दिया है। सामने मेडिकल कॉलेज है, आप देख सकते हैं बेहतरीन, रात के समय कुछ इस तरह से दिखता है। और आबिद भाई को खाना ना देते हैं, आबिद भाई को खाना ना खिला देते हैं, उसके बाद फिर फौरन आएंगे हम लोग, खाना खाएंगे। क्या बोलते हो हसन भाई? बिल्कुल भाई, भूख लगी कि नहीं? लगी तो है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। होए 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 होए, तो भाई इतना ढेर सारा खाना लेकर हम तो आ चुके हैं, आबिद भाई मुस्किया रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी इनको, क्या बोलते हो? अरे चलो भाई आबिद भाई को खाना वाना खिला देते हैं, दोपहर से भूखे हैं, इनके दिल का हाल कौन जाने, ऊपर वाला जानता है ना। तो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चलो खाना ना खिला देते हैं आबिद भाई को, उसके बाद हम चलते हैं, हम भी खाते हैं। One eternity later. ओए होए 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 होए, तो भाई हम लोग आ चुके हैं बाइक के पास अपने, और अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे जफर भाई? मुबीन्स यार, मुबीन्स कुलचनहारी। तो चलिए भाई मुबीन्स के यहाँ चलते हैं, और आज हमारे मेहमान हसन भाई आए हैं, तो इनको खिलाएंगे वहाँ पे, और ये बताएंगे टेस्ट वहाँ का कैसा लगता है, क्या बोलते हो? बिल्कुल भाई। ओए होए 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 होए, तो भाई आ चुके हैं मुबीन्स के यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है भाई साहब, चारों तरफ भीड़ भीड़ है, देखिए आप। चलो भाई हम लोगों को ऊपर चलना है। हसन भाई भीड़ कैसी है यहाँ पे? हसन भाई आपको कैसा लगा मुबीन्स के आने के बाद? बड़ी भीड़ है भाई। है? भीड़ बहुत है। मगर क्यों? भीड़ बहुत है, मजा आ रही है, कुछ अलग एक्सपीरियंस लग रहा है ना। ये कह रहे हैं कौन जंजाल में ले आया हो सारे, तो गाना है ऊपर से लाइन लगाना है, पैसा भी देना है। ऐसी जगह भगवाना शरीफ में है, और कहीं गए हो ऐसी जगह पे? बड़ा हरामी हो। फाइनली गाइस सब लोगों को सीट मिल चुकी है बहुत देर के बाद, और अभी हम बैठे हुए हैं, अभी ऑर्डर करना बाकी है। तो ये हमारे जफर भाई, और ये हमारे हसन भाई। हसन भाई तैयार हैं आप नारी कुलचा तोड़ने के लिए? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये लो भाई अपनी नहारी आ चुकी है, कुलचा आना बाकी है, और आप देख सकते हैं। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, खाना पीना खा लिए हैं, आपको तो पता ही चल गया होगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे कर देते हैं एंड, वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।